हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ब्लॉक फंक्शन कैसे हटाना है, कॉपीराइट फंक्शन कैसे हटाना है, ठीक है? अगर आपके उसमें कॉपीराइट और ब्लॉक दोनों ही आ गए हैं तो आपको कैसे हटाना है, मैं पूरा क्लियर बताऊंगा, ठीक है? तो ब्लॉक को कैसे हटाना है इसको मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? और आप मेरे ऊपर आई बटन में भी देख सकते हो, ठीक है? तो ब्लॉक कैसे हटाते हैं कॉपी, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको जब वीडियो अपलोड की है तो वहाँ पर ब्लॉक करके दिखा रहा होगा, तो वो ब्लॉक को अनब्लॉक कैसे करना आपको? तो 78% चांस है कि आपका वो ब्लॉक हट जाएगा, ठीक है? कुछ परसेंट कह नहीं सकते, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ब्लॉक आपको हटाना कैसे है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए और बने रहिए, क्या पता आपका ब्लॉक हट जाए, तो प्लीज़ पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है अपने यूट्यूब चैनल पर और डेस्कटॉप मोड में इसको ओपन कर दीजिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर दोगे तो यूट्यूब का जो आपका जो फोटो का जो लोगो है वो उस पर जाना है, आपको जाना है यूट्यूब स्टूडियो पे, ठीक है? यूट्यूब स्टूडियो जब आपका ओपन हो जाएगा तो आपको सिंपली करना क्या है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये देखिए यूअर चैनल पर गया है, ठीक है? यूअर चैनल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल पे जाना, ठीक है? कस्टमाइज चैनल, ध्यान देखिए स्टूडियो ओपन हो जाएगा आपका ये, ठीक है? मोबाइल से कर रहा हूँ ना तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरह दिख रहा है, ठीक है? तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है, कंटेंट पर जाना है, जो फोटो लगी है उसका तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ऐसे कोई नहीं बताएगा किसी को। उसके बाद देखिए, ये देखिए, एक में सही है मेरा, ठीक है, और कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, और दूसरे वाले में देखिए मेरा कॉपीराइट क्लेम आया है, ठीक है? ये देखिए सूर्य द सोल्डर, ये मूवी मैंने अपलोड की थी, इसमें कॉपीराइट क्लेम आया है और ब्लॉक भी आया है, तो कॉपीराइट क्लेम तो मैं अपना हटा दूंगा क्योंकि, ठीक है? और ब्लॉक कैसे हटाते हैं ये वाला, ठीक है, जो रेड कलर का दिख रहा आपको, इसका करना है आपको सिंपली एडिट पर क्लिक करना, ठीक है? एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, डिपेंड ऑन योर नेट, ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए आपको क्या करना है, ये ब्लॉक वाले निशान पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पे दिख रहा है वीडियो क्वालिटी उसके नीचे ब्लॉक करके दिख रहा होगा, ठीक है, जूम करके दिखाता है ये वाला ब्लॉक, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं कर देता हूँ क्लिक। इसके बाद आपको क्या करना है, एक सेकंड मैं बता देता हूं आपको, ये देखिए आपको ऐसे चले जाना है, ठीक है, ब्लॉक पे क्लिक करके, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट एक्शन, ठीक है? ये देखिए आपने क्या कर रखा है, जो ये 10 मिनट 34 सेकंड, इतने से लेकर 1 घंटा 27 सेकंड, इतने तक इसमें कॉपीराइट लग रखा है, ठीक है, और ब्लॉक भी आ रखा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये आपने किसी का लगा रखा है तो इसको आपको हटाना है, तो आपको क्या करना है, सी एक्शन पर क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है ब्लू कलर का सी एक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको करेंगे डिप शूट करेंगे, डिप शूट, ठीक है?
ये रहा डी आई एस पी यू टी, डिस्प्यूट करेंगे। उसके बाद आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, यहाँ पे माई डिस्प्यूट इजंट बेस्ड ऑन एनी द ऑफ द रीजन अबव, इस पे आप क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बताएगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने फेयर यूज़ किया था, ठीक है, तो फेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, आई बिलीव दैट वीडियो प्रोटेक्टेड अंडर फेयर यूज़, ठीक है, फेयर डेलिंग ऑफ सिमिलर एक्सप्रेशन टू कॉपीराइट, ठीक है, इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू भी क्लिक कर देंगे। फिर सेलेक्ट टाइप करेंगे, ठीक है, ये आपने किस, जब आपने वीडियो अपलोड की थी तो आपने क्या सोच के डाला था, एंटरटेनमेंट थी या गेम प्ले था या न्यूज़ स्पोर्ट था, मैंने एंटरटेनमेंट करके डाला था, तो एंटरटेनमेंट में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने डालना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या डाला था आपने, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू, ठीक है, अल्लू अर्जुन मूवी इस तरह से डाला था मैंने, ठीक है। ये सब ध्यान रखना आपको, ठीक है, जैसे जैसे मैं भर रहा हूँ आप भी भर देना, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्लीज़ रिव्यू द स्टेटमेंट बिलो एंड टिक एंड बॉक्स टू एग्री, इन तीनों पर टिक कर देना आपको, ध्यान से देखिए, इन तीनों पर टिक कर देना आपको, ठीक है। इन तीनों पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर, सिग्नेचर में क्या डालना है, आपको डालना है सिग्नेचर में आपका जो चैनल का जो नाम है वो डालना है, जैसे मेरे चैनल का नाम है वॉइस हैस पावर, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना, सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, डिस्प्यूट विल बी सेंड टू द क्लेमेंट फॉर रिव्यू, ठीक है। तो आपका जो ये है ब्लॉक वाला फंक्शन, ये हट जाना चाहिए, ठीक है, 78% मेरे को लगता है ये हट जाएगा, और जो बाकी है वो कुछ परसेंट वो पॉसिबल, ज़्यादातर केसेस में यही आता है कि, आपसे सच कहता हूँ मैं, कि ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि ब्लॉक फंक्शन हटता नहीं, आपको ये वीडियो डिलीट ही करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया सजेस्ट के लिए, अगर आपने किसी का कंटेंट चुराया नहीं है, अगर आपको पूरा बिलीव है कि ये मेरा ही कंटेंट है, फिर भी इसमें ब्लॉक फंक्शन आ गया है, कॉपीराइट आ गया है, तो आप इसको, आपका हट जाएगा, श्योरली श्योर है कि आपका ये हट जाएगा, क्योंकि YouTube हटा देगा अगर आपने किसी का चोरी नहीं किया है ये कंटेंट, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो, आपका हट जाएगा, ठीक है, अगर आपने किसी का चोरी नहीं किया, अगर आपने किसी का चोरी करके फिर दोबारा अपलोड किया है या कुछ एडिटिंग करके अपलोड किया है, तो आपका ये हने हटेगा, आपको ये डिलीट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको पता लग गया कि ये ब्लॉक फंक्शन हटता कैसे फाइनली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।